नमस्कार साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन होने लगे हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन कैसे भरे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्च बार में RTE लिखकर सर्च करते हैं और RTE के तहत ऑनलाइन प्रवेश यहां पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहां से RTE एडमिशन यहां क्लिक करते हैं और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पालक स्कूल और आवेदन प्रक्रिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ आप आवेदन का प्रारूप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रारूप यदि आप इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन पंजीयन, यहाँ पर आवेदन करने के लिए इस आवेदन पंजीयन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं सत्र 2022-23 के लिए आवेदन पंजीयन हेतु दिशा निर्देश। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप यहां से आगे बढ़ें पर क्लिक करते हैं। यहां देख सकते हैं RTE ऑनलाइन आवेदन हेतु OTP के माध्यम से आवेदक का मोबाइल नंबर सत्यापित करें। तो यहां पर आप मोबाइल नंबर लिखें यहाँ आवेदक का मोबाइल नंबर पुनः दर्ज करें। यहाँ कैप्चा कोड डाल दें और मोबाइल पर OTP प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है, इसे ओके कर दें। कुछ देर प्रतीक्षा करें। चलिए अब OTP दर्ज कर लेते हैं और सबमिट OTP पर क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली, सही मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ ओके कर देते हैं और यहाँ इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और यहाँ चेकबॉक्स पर टिक मार्क करते हैं। अब यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करते हैं। यहाँ चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद आधार नंबर दर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर पुनः आधार नंबर दर्ज करते हैं और OTP द्वारा EKYC करें। यहाँ दो तरह से EKYC कर सकते हैं। यदि आधार नंबर पर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप EKYC के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से EKYC कर सकते हैं। यहाँ हम OTP के माध्यम से EKYC करेंगे, इसलिए OTP द्वारा EKYC पर करें पर क्लिक करते हैं। आधार नंबर पर दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP
भेज दिया गया है, यहाँ ओके करते हैं। चलिए हम यहाँ ओटीपी दर्ज कर लेते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद वैलिड ओटीपी, वैलिडेट ओटीपी यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, यहाँ से ओके करने के बाद अब आपका फॉर्म यहाँ खुल जाएगा। चलिए अब फॉर्म को भर लेते हैं। आवश्यक सूचना यहाँ पर अच्छे से पढ़ लें फॉर्म भरते समय, इसके बाद आगे की कार्रवाई करें। यहाँ प्रवेशार्थी 9 अंक की समग्र आईडी यहाँ दर्ज करें। तो चलिए हम समग्र आईडी दर्ज कर लेते हैं। यहाँ शहरी है तो शहरी और ग्रामीण है तो ग्रामीण चुन लेते हैं। यहाँ पर मोहल्ला दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर, यदि दूसरा मोबाइल नंबर हो तो यहाँ दूसरा मोबाइल दर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार में अंकित प्रवेशार्थी का प्रथम नाम यहाँ आ गया है। यहाँ देख सकते हैं आधार में अंकित प्रवेशार्थी का प्रथम नाम, यहाँ जैसे आधार में नाम है उसी तरह से यहाँ जन्म प्रमाण पत्र का नाम होना चाहिए, उसे यहाँ दर्ज करें। यहाँ पर आवेदक का उपनाम आधार में अंकित नाम की तरह यहाँ जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का उपनाम पुनः प्रविष्ट करें। यहाँ पर जन्म तिथि दर्ज करें। इसके पश्चात यहाँ मेल या फीमेल यहाँ दर्ज करें। यहाँ प्रवेशार्थी के जाति वर्ग पुनः प्रविष्ट करें। जाति वर्ग हम लिख देते हैं SC अनुसूचित जाति। यहाँ पिता का नाम आ जाता है, पिता का नाम समग्र आईडी से मिलान कर लें। यहाँ पिता का नाम आप जन्म प्रमाण पत्र में जिस तरह पिता का नाम है उसी तरह यहाँ नाम दर्ज करें। यहाँ पिता की समग्र आईडी दर्ज करें। चलिए हम पिता की समग्र आईडी दर्ज कर लेते हैं। यहाँ माता 9 अंक की समग्र आईडी यहाँ दर्ज करें। समग्र आईडी दर्ज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कोटा से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करें। यदि आप BPL कार्ड धारी हैं तो यहाँ सेलेक्ट करें, और यदि आप जाति प्रमाण पत्र SC या ST अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं तो आप
यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर जाति वर्ग चुनें और यहाँ जाति प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ लिखें। यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख लिखें। यहाँ पर प्रमाण पत्र किसने जारी किया है उसका नाम लिखें, पद लिख सकते हैं यहाँ। और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएं। यहाँ आप किस कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं चुन लें। इसमें बता रहा है कि आपके 11 स्कूल यहाँ प्रदर्शित हैं, तो आप उनमें से कम 3 स्कूल भरना अनिवार्य है। इस तरह से हम स्कूल की PSID यहाँ दर्ज करते हैं। और इसके पश्चात यहाँ और नाम यदि जोड़ना है तो यहाँ आप देख सकते हैं अतिरिक्त विकल्प जोड़ें, तो यहाँ क्लिक करेंगे अतिरिक्त विकल्प जोड़ें तो एक ऑप्शन और खुल जाएगा, यहाँ दूसरा स्कूल दर्ज करें। इसी तरह आप और अन्य स्कूल जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पुनः अतिरिक्त विकल्प जोड़ें पर क्लिक करें और अगला स्कूल यहाँ दर्ज करें, स्कूल की ID और यहाँ देख सकते हैं आप स्कूल का नाम आ गया है, ओके कर सकते हैं। इन स्कूलों को यहाँ दर्ज करने के बाद आप यदि कोई गलत स्कूल दर्ज कर लेते हैं तो यहाँ से गलत विकल्प को हटाएं, यहाँ क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन यहां से हट जाएगा। और पुनः दूसरा स्कूल जोड़ना चाहते हैं तो अतिरिक्त विकल्प जोड़ें पर क्लिक करें। और यदि आप इसके आगे कोई भी स्कूल नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप स्कूल विकल्प सेव करें, यहां क्लिक करें। और इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा चुने गए विकल्प का चयन कर लिया गया है। कृपया फोटो तथा एडमिशन कोटा से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन सेव करें, यहाँ ओके करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 3 स्कूल चुने गए हैं आपके द्वारा। यहाँ विकल्प देखें और छुपाएं, यहाँ क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आवेदन सत्यापन हेतु निकटतम जनशिक्षा केंद्र आप कहाँ पर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं और उसका नाम यहाँ चुनेंगे। यहाँ ब्लॉक चुन लेंगे और यहाँ जनशिक्षा केंद्र चुन लेंगे। इतना चुनने के बाद हम यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो बच्चे की फोटो 100 KB से कम होना चाहिए और यहाँ बच्चे की फोटो नवीनतम फोटो अपलोड किया जाना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। तो चलिए फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं हम। तो हमने यहाँ फोटो
यहाँ रखें, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फोटो आ गई है यहाँ, और यहाँ से एडमिशन कोटा का प्रमाण पत्र यह चुन लेते हैं, और यह प्रमाण पत्र 500 केबी से कम होना चाहिए। अब आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप यहाँ कैप्चा कोड यहाँ लिखें, इस तरह से। फॉर्म को पूरा भरने के बाद एक बार पुनः जांच कर लें कि बाकी समस्त प्रविष्टियां सही हैं या नहीं। इन सभी को ठीक प्रकार से भरने के बाद मेरा आवेदन एवं मेरे द्वारा भरे गए स्कूल के विकल्पों को प्रविष्ट सेव एवं पावती प्रिंट करें, यहां पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन नंबर यहाँ आ जाएगा। एप्लीकेशन आईडी इस तरह से आपके सामने प्रदर्शित होगी। दर्ज किए गए आवेदन की पावती प्रिंट करें, यहाँ एप्लीकेशन आईडी, इसको यदि आप प्रिंट नहीं करते हैं तो इसे आप कहीं लिख कर रख लें, और इस तरह से आप आईडी को लिखने के बाद कैप्चा कोड डालें और पावती प्रिंट कर लें। पावती प्रिंट करने के लिए आवेदन का प्रिंट करें, यहां क्लिक करते हैं, और इस तरह से आपके सामने आवेदन की पावती यहां सामने प्रदर्शित हो जाती है। आप इसे प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के लिए आप यहां नीचे प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें, और आप इसे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या यदि आप प्रिंट नहीं करते हैं तो आप इसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो साथियों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।